हाय एवरीवन वेलकम टू करण क्रंच इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशलॉजी तो अगर आप यूपीएससी स्टेट पीएससी या फिर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काफी चीज़ें जो सिलेबस में आपके मेंशन है यूपीएससी का तो डायरेक्टली सारा ये बुक कवर्ड है उसी के सिलेबस पे बेस्ड है नेट के भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी चैप्टर्स जो है वो इस बुक के आपके हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं करंटली वी आर ऑन चैप्टर नंबर फोर जिसमें थिंकर्स कवर्ड है कॉल मार्क्स से हमने स्टार्ट किया है तो बेसिक जो है मैंने आपको स्कूल ऑफ थॉट इनका इंट्रोडक्शन वगैरह वो दे दिया है आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एलियनेशन ठीक है अब मैं डिटेल में दोबारा कॉल मार्क्स के नहीं जाऊंगी अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसेंशियल सोशोलॉजी बाय नितिन सांगवान सर वहां से आप वो जो बेसिक वीडियोस हैं स्टार्टिंग के थिंकर्स के वो आप देख सकते हैं जिसमें कार्ल मार्क्स को इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है तो आज का टॉपिक देख लो एलियनेशन वो आगे देखेंगे पहले देखते हैं मार्क्स ने इंडिविजुअल पे क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो मैन है इज प्रिपेली डिसटिस्फाइड रिलेशन देखो में देखोगे तो बेसिकली होता क्या कैपिटलिस्ट करते क्या है प्रॉफिट उनका सारा काम होता है उनका उनकी कोशिश होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करना फाइन रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉयट करो उनकी प्रोसेसिंग करो फैक्ट्रीज में काम करो और आप अपना प्रॉफिट जो है वो गेन करो और दे डू नॉट स्टॉप देयर फिर ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिकल प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है होता जाता है अमीर जो है ख़ुद को और अमीर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है तो ये सारी चीज़ें क्या बताते हैं कि मैन डिससेटिस्फाइड है क्योंकि जो काल मार्क्स है उनका बेसिक फंडा था वर्क अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी बट यू शुड गेट अकॉर्डिंग टू योर नीड पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है आप जब काम करते हो सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं करते हो आपको एक्स्ट्रा चाहिए अगर किसी के पास आज एक कार है उसको उससे ज़्यादा बड़ी कार चाहिए ठीक है और अगर वो देखेगा कि उसके फ्रेंड ने उससे बड़ी कार ली है तो उसको उसके फ्रेंड से बड़ी कार चाहिए तो बेसिकली एक वर्लपूल है जिसमें इंसान जो है वो फंस गया है क्योंकि वो एक डिसटिस्फाइड नेचर जो है वो अपना एग्जिबिट करता है ये कार्ल मार्क्स का कहना था हाउ एवर मार्क्स ये भी कहते हैं मैन एज ड्रिवन बाई द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड सब ऑर्डिनेट टू इट हमें पता है कि हम सोसाइटी के ही सब ऑर्डिनेशन में हैं हमें कोई काम अगर हम करना चाहें हमारी मर्जी हो हमें म्यूजिशियन बनना है हमें पेंटर बनना है लेकिन हमें वो नहीं बनने दिया जाता है क्योंकि सोसाइटी ने कुछ चीज़ें सेटअप की हैं आई कर लो स्टेट पी एस कवर कर लो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़ जाओ ये सारी चीज़ें क्या पॉइंट आउट करती हैं कि हम बेसिकली सोसाइटी के अंदर ही दबे हुए हैं जो सोसाइटी ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है गवर्नमेंट जॉब को एक हाई लेवल पर रखा हुआ है तो हम सारे स्ट्राइव करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए और कुछ अलग इनोवेटिव करने के लिए हमें सोसाइटी की परमिशन नहीं है अकॉर्डिंगली हमारी फैमिली भी बिहेव करती है और फिर वो हमारे काम में रिफ्लेक्ट करता है जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है दैट इज शेप्ड बाय दी प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है कॉन्शियसनेस की बात भी हमने पुराने वीडियो में की हुई है कॉन्शियसनेस बिकम्स अ फंक्शन ऑफ द पर्सन पोजिशन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज फोर्सेज एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इन्फ्लुएंस ह्यूमन थॉट तो आप का जो फोर्स और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है या तो आप ओनर हो या तो ओन्ड हो या तो आप चीज़ें यूज़ करते हो या तो आप चीज़ों को ओन करते हो वही आपके ह्यूमन थॉट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है तो अगर आप एक्सप्लॉयड भी हो रहे हो आप एक्सप्लॉयड होने को गलत नहीं समझते हो क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो प्रोडक्शन ही डिटर्मिन कर रही है प्रोडक्शन आपको बताती है ठीक है आप काम करने के लिए ही पैदा हुए हो आपकी कॉन्शक्स अकॉर्डिंगली है आपकी क्रिएटिविटी वहां पे क्रिपल कर दी जाती है क्योंकि जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको सोसाइटी ने रखा हुआ है आप वहीं खुद को देखते हो आप उसे हटने की कोशिश नहीं करते हो क्योंकि आप सोसाइटी के सबॉर्डिनेशन में ही काम कर रहे हो इस चीज़ का यही मतलब है ठीक है अब मार्क्स ने कहा था जो ह्यूमन नेचर है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं एक कांस्टेंट है और दूसरा जो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले आप स्लेव थे या मास्टर थे फिर आप लेबर बन गए और एक साइड से कैपिटलिस्ट थे ठीक है या तो आप प्रेजेंट थे या तो आप फ्यूडलिस्टिक फ्यूडलिज्म सोसाइटी में थे तो आप या फ्यूडल लॉर्ड थे या एक सर्फ या प्रेजेंट थे तो वो चीज आपकी सोसाइटी स्टेटस चेंज करती रहती है फाइन और दूसरा आपका कांस्टेंट है जो आपका अपना बीइंग है जैसे हो सकता है आज जो गवर्नमेंट जॉब की इंपॉर्टेंस है कल को पचास साल के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की वो इंपॉर्टेंस ना रहे तो तब आप स्ट्राइव नहीं करोगे गवर्नमेंट जॉब के लिए क्योंकि तब सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई होगी तो वो आपका एक सोशल बींग है जो सोसाइटी डिटर्मिन करेगी आज चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ हो कल चाहे वो किसी और की तरफ हो लेकिन आपका जो क्रिएटिव बींग है वो आप हो वो कॉन्स्टेंट है वो वो उसको बींग ही बोला जाता है ठीक है तो ये दो चीजें इन्होंने कही थी द कॉन्स्टेंट पार्ट इज कॉल्ड बींग और ये प्रिपेचुअली एंड क्रिएटिव है देखो जैसे एग्जाम्पल ले लो आप किसी गिटारिस्ट की फाइन हुआ गिटारिस्ट बनना चाहता है हमें पता है लेकिन इस फील्ड में कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है और आप फेमस हो सकते हो नहीं हो सकते हो मतलब इट्स अ वेरी रिस्की थिंग तो लेकिन आपका जो सेल्फ है ये जो बींग है ये एक क्रिएटिव है ये गिटारिस्ट या चलो पेंटर कह लो कोई भी बनना चाहता है फाइन लेकिन आपको क्रिएटिविटी को लिमिट कर दिया जाता है क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पेरेंट्स की है किसी पे सिबलिंग्स की होती है वो एक सिंगर बनना चाहता है लेकिन ठीक है घर में उतने पैसे नहीं हैं कि वो सपोर्ट करें उसको चाहे उसको दस साल लग जाए पंद्रह साल लग जाएँ उस फील्ड में अपना एक नाम बनाने के लिए तो उसकी क्रिएटिविटी को सोसाइटी लिमिट करती है तो फाइनली वो क्या करता है वो एलियनेट फील करता है एलियेट मीन्स वो आइसोलेटेड फील करता है अब चाहे भी उसको एक क्लरिकल जॉब मिल गई है लेकिन वो वहां पे सैटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसको खत्म कर दिया गया वो कांस्टेंट पार्ट है उसको मार्क्स ने बीइंग कहा था और दूसरा होता है सोशल बीइंग जो सोसाइटी डिटर्मिन करती है जैसे आप आई ऑफिसर बन गए हो अब आपकी सोसाइटी में आपका एक स्टेटस है फाइन तो ये आपका सोशल बीइंग है जो किसने डिटर्मिन किया है सोसाइटी ने ये आइडेंटिफाई होता है बाय दी वर्क डन बाय दी इंडिविजुअल आप क्या काम करते हो उस चीज़ से आप जाने जाते हो आप क्या चाहते हो आपका थॉट प्रोसेस क्या है आपके अंदर की क्रिएटिविटी क्या है वो चीज़ें यहाँ मैटर नहीं करती हैं जैसे एक मीम भी काफ़ी फेमस है कि कोई गिटार प्ले कर रहा था वो आ, नहीं गिटार शायद कोई यूट्यूबर पर मीम था कि वो जब आ, एक पोटेंशियल ब्राइड के घर जाता है देखने के लिए तो उसको बोलते हैं काम क्या करते हो तो वो कहते हैं मैं यूट्यूबर हूँ मुझे मतलब इंटरेस्ट है इन चीज़ों में व्लॉग वगैरह बनाता हूँ वो कहते हैं आगे से अच्छा चलो ये तो ठीक है लेकिन करते क्या हो कि वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि आप यूट्यूबर हो ठीक है कोई काम नहीं है मुझे बताओ कि आप करते क्या हो महीने की दस पंद्रह हजार तनख्वाह वाली जॉब करते हो कि नहीं करते हो क्योंकि वो दस पंद्रह हजार वाली जॉब जो है वो आपका सोशल बीइंग है जो आपके काम से जाना जाता है और जब यूट्यूबर हो वो आपका क्रिएटिव बीइंग है उससे सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है पर थैंकफुली सोसाइटी वैसी नहीं रही अब इन चीजों को टिकटॉकर्स टॉकर्स हों यूट्यूबर्स हों चाहे इनको अब एक वाइडर एक्सेप्टेंस ऑडियंस रिकग्निशन फेम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है आइए हम कल मार्क्स का थॉट पढ़ रहे हैं ठीक है हम आज की सोसाइटी का कि सोसाइटी ऐसी है कि नहीं वो डिस्कस नहीं करें सिमिलरली इन एक्जिस्टिंग सोसाइटी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज डिटर्मेंड बाय हिज सोशल बींग रैन हिज बींग फाइनली वो क्या हो जाता है जैसे एक हर्ड मेंटेलिटी में आ जाती है ना कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सब लगे पड़े गवर्नमेंट जॉब के लिए तो कोई बींग के बारे में नहीं सोचा अब आपकी कॉन्शियसनेस कौन डिटर्मिन कर रहा है स्टेट क्योंकि हमें पता है इस चीज में फेम है पैसा है स्टेटस है रिकग्निशन है तो एक हर्ड मेंटेलिटी के चलते सारे सोशल बीइंग के पीछे लगे हुए हैं और बीइंग कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो हमारी कॉन्शियसनेस भी अब कौन डिटर्मिन करती है बाय सोशल बीइंग सोसाइटी में किस चीज की एक्सेप्टेंस है मार्क्स ने बेसिक नेचर ऑफ सोशल बींग की बात भी सोसाइटीज में। example, में, सोशल सेल्फिश है और कम्युनिज्म में ये कॉपरेटिव है हालांकि कंटेस्टेड है ये चीज इस चीज को बाद में आ, उल्टा भी प्रूफ किया गया जो मैंने आपको कहा कि ब्यूटिज्म की मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी पुराने वीडियो में किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देख सकता है फाइन तो ये बात हुई थी देखते हैं एलियमो उन्होंने क्या कहा था देखो पहले काल मार्क्स बिलीव करते थे कि लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में कोई रिलेशन है अगर आप ये रिलेशन समझ गए तो आपके लिए एलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाएगा ये मैंने पुराने वीडियोस में भी थोड़ा डिस्कस किया था अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं देखो लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में एक रिलेशन है आप एग्जाम्पल ले लो टेलर का ठीक है टेलर क्या करता है वो कपड़े बनाता है उसके बाद उसने जो प्रोडक्ट बनाया वो उसके सामने है वो वो एफर्ट भी कर सकता है टेलर जिनने जो सूट स्टिच किया होगा वही सूट वो अपने लिए भी स्टिच करता है फाइन तो उसका एक इमोशनल वैल्यू जो है उसके प्रोडक्ट के साथ वो रहती है इमोशनल वैल्यू ठीक है ना तो वो अपने प्रोडक्ट को सामने देख सकता है फाइनल होके और उसको पसंद करता है एडोर करता है वैसे कारपेंटर जैसे छत बनाते हैं किसी मकान का फिर अलग अलग डिजाइनिंग देते हैं उसमें अपनी इनोवेशन लाते हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके सामने होता है जिसको वो देखते हैं पसंद करते हैं एडोर करते हैं और उसी में खुद की इम्प्रूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाते रहते हैं खुद में तो ये एक रिलेशनशिप है लेबर और ह्यूमन नेचर के बीच में चाहे पेजेंट्स थे वो क्या करते थे खेती बाड़ी करते थे बाद में उनको क्या मिलता था उससे जो उन्हें जिस लैंड पे उन्हें काम किया वो लैंड उनको व्हीट देती थी राइस देती थी ठीक है या फ्रूट्स देती है दालें देती है तो दैट मीन्स जिस चीज पे आप काम कर रहे हो वो आपको इन रिटर्न कुछ देती है जिस चीज की आपके लिए वैल्यू है चाहे वो दाल चावल हो गेहूं हो उस चीज की आपके लिए वैल्यू है तो जो आप काम कर रहे हो आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है एफोर्डेबल है और आप उस प्रोडक्ट को पसंद करते हो फाइन ये एक चीज है अब आप आ जाओ फैक्ट्रीज में फैक्ट्रीज में क्या होता है लेबर है ही इज वर्किंग वेरी हार्ड इन अ फैक्ट्री एंड ही इज प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट इज वे बियॉन्ड हिज रीच अब देखो आईफोन फैक्ट्री आपको पता है ये चीजें असेंबल होती हैं कहीं स्क्रीन बनता है कहीं बैटरी बनती है कहीं चार्जर कहीं हार्डवेयर कहीं सॉफ्टवेयर तो जो इंसान एक स्क्रीन बनाने के या कोई एक पार्ट बनाने की फैक्ट्री में काम करता होगा क्या वो आईफोन 15 जो है वो एफोर्ड कर सकता है नहीं उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वे बियॉन्ड इज रीच है तो वो इससे क्या होता है उसकी साइकी ऐसी हो जाती है ही फील्स एलियनेटेड फ्रॉम हिमसेल्फ ही फील्स एलियनेटेड फ्रॉम दी वर्क फ्रॉम दी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड उसके लिए कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहती है क्योंकि जब भी एप्पल की बात आती है तो जो इसके पीछे कंसेप्ट हैं जो इंजीनियर्स जिनने कंसेप्ट दिया है स्टीव जॉब जैसे उनकी बात आती है आप उस फैक्ट्री में बैठे हुए उस मजदूर को कोई क्रेडिट नहीं देते हो जो काम कर रहा है एप्पल चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ले लो टेक्सटाइल बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बड़े जो ब्रांड्स हैं उनकी फैक्ट्रीज में लेबरर्स ही काम करते हैं मजदूर काम करते हैं मंथ के कुछ पैसों पे ठीक है तो आप सोचो एक बड़ा ये है एक कॉस्टली ब्रांड है प्राडा की फैक्ट्री में जो लेबर्स है क्या की है, के के बैग्स ये या लुई बैग्स की फैक्ट्री में जो एक मजदूर काम करता है ढाई कर लाख तीन लाख का बैग नहीं तो उसके लिए एक इमोशनल वैल्यू अपने प्रोडक्ट की नहीं रह जाती है फाइन तो ये एक रिलेशनशिप जो है लेबर और ह्यूमन नेचर का ह्यूमन नेचर क्या है कि हम जो हम प्रोड्यूस बना हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं उसको हम मतलब वो हमारे लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ हो वो हम देख पाए पसंद कर पाए एफर्ट कर पाए जैसे मैं अपना वीडियो बनाती हूँ फिर वो वीडियो मैं सुनती हूँ खुद कि मैं कहाँ खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ क्या मैंने ठीक बोला क्या मुझे कैसे बोलना चाहिए था नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या ऐड करूंगी क्या माइनस करूंगी दैट मीन्स जो मेरा प्रोडक्ट है फाइनली वीडियो वो कहीं ना कहीं मेरे सामने है और मैं उस पर अपनी इनोवेटिव चीज़ें कर सकती हूँ मैं उसकी ओनर हूँ तो मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू उसमें है फाइन तो ये ह्यूमन नेचर होता है अब ये जो रिलेशनशिप है लेबर और ह्यूमन नेचर का ये परवर्ट हो गया कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्योंकि कैपिटल जो आपके कैपिटलिस्ट है उन्होंने हायर किया लेबर्स को वो अपने मंथली वेजेस पे काम करने लगे और उनका उस प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं रहा ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो क्या वो गाड़ियां एफर्ड कर सकते हैं नहीं तो एक रिलेशनशिप डिसरप्ट हो गया हो गया और इस ये फीलिंग ऑफ आइसोलेशन या एस्ट्रेंजमेंट या खुद को कट ऑफ फील करना जो वर्कर्स के बीच में आई उसको मार्क्स ने एलिनेशन का नाम दिया ठीक है तो ये जो एलिनेशन था ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे था कि प्रमेटिव पहले जो आपका कम्युनिज्म था उसमें ये जीरो था फिर फ्यूडलिस्ट स्लेव में यहाँ आ गया फ्यूडलिस्टिक में यहाँ आ गया पीक पे जो एलियनेशन है ये कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म में आया उसके बाद फिर से डाउन होके जीरो एडवांस कम्युनिज्म जो आएगा जो कल हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में कहा जो फाइनल स्टेज आएगी एज अकॉर्डिंग टू मार्क्स उसमें ये एलिनेशन फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि आप एलिनेट नहीं हो जाओगे अपने प्रोडक्ट से अब आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो आप खुद के लिए काम करोगे ठीक है तो एलियनेशन जो है एक्सप्लेन पेक्यूलर फॉर्म दैट आर रिलेशन टू आर ओन लेबर हैज टेकन अंडर कैपिटलिज्म ठीक है हमारा क्या रिलेशन है हमारे लेबर के साथ कैपिटलिज्म में ये एक्सप्लेन करता है एलियनेशन कि हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा है हम बस काम कर रहे हैं मजदूरों की तरह और हमें कुछ नहीं पता हम अपना कोई इनोवेशन नहीं कर सकते हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है हम उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है हम बाकी फैक्टर्स के जो मजदूर हैं उनसे रिलेटेड नहीं है क्योंकि काम इतना इतने आवर्स हमें काम करना पड़ता है इतनी डिफिकल्ट सेटिंग्स में कि हमारा कोई सर्कल नहीं रहा हम अपने फेलो जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ बात नहीं कर सकते उनसे हम एलिनेट हो गए हैं हम खुद से एलिनेट हो गए हैं ठीक है ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स ने कही और इनने कहा कि ये जो रिलेशन है इट नो लॉन्गर सर्व एज दर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ठीक है तो आप अब आप वो कोई ऐसा पर्पज जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कि एक सोशल रिलेशन बनाना वो चीज खत्म हो गई है आप सिर्फ किसी और के लिए खुद को एक्सप्लोयड कर रहे हो और जब आपको ये समझ में अवेयरनेस आएगी उसके बाद रेवोल्यूशन आएगा ये चीज हम आगे क्लास जब हमें क्लास कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करना होगा काल मार्क्स का कॉन्सेप्ट उसमें हम ये चीजें एक्सप्लेन करेंगे

इफ यू सी दैट है इट इज एन एंड इन इट सेल्फ दैट मीनस हैल्यू है ये वैल्यूएल है ये कोई वैल्यू रखता है ये आपको कोई और चीज लेने में हेल्प नहीं करता मीडियम नहीं है कोई और चीज लेने में इसकी एक इनहेरेंट वैल्यू है इसकी अंदर की एक इंटरेंसिक वैल्यू है ठीक है लेकिन अगर आप बोलते हो कोई चीज जो है मीन्स टू एन एंड है दैट मीन्स कोई चीज आपको हेल्प करती है कुछ और लेने के लिए

कैपिटलिज्म में क्या क्या लेबर्स के साथ इट 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 बिकेम बिकेम रादर रादर शुड हैव बीन एन एंड इन बट मींस टू अर्न प्रॉफिट फॉर दैपिटलिस्ट फॉर द फैक्ट्री ओनर्स तो ये चीज काफी गलत थी जिसको कार्लमार्क्स ने आइडेंटिफाई किया और पॉइंट आउट भी किया और इनका मानना था कि आगे आगे रेवोल्यूशन के बाद एडवांस कम्युनिज्म में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो एलिनेशन से उन्होंने एक डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था कि एक डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन किया डायलेक्टिक्स क्या होता है कि आपका कोई थॉट है फिर एंटाइट थॉट आ गया वो डेवलप हुआ फिर सिंथेसिस में कोई नई चीज आ गई फिर उसका एंटाइ डेवलप हुआ तो उसके पीछे जो आप एक रीजन बोल सकते हो वो सेंटर स्टेज किसकी थी एलियनेशन की थी कि एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में एलियनेशन हो जाता है उसकी वजह से एक एंटाइ थॉट जो है वो डेवलप होता है जैसे फ्यूडलिज्म में कुछ परसेंटेज ऑफ एलियनेशन आया तो एक एंटाइट डेवलप हुआ उसके बाद कैपिटलिज्म आया कैपिटलिज्म में पीक पे गया एलिनेशन फिर उसका एंटाइट डेवलप होगा एडवांस कम्युनिज्म में और फाइनली डायलिटिकल है वो एंड हो जाएगा लेबर इज नाउ ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट ठीक है इट नो लॉन्गर ट्रांसफॉर्म्स द वर्कर्स क्योंकि इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर द वर्कर्स दे आर नॉट एबल टू बेटर देयर लाइफ दे आर नॉट एबल टू इंप्रूव देयर लाइफ स्टैंडर्ड या ओनली वर्किंग फॉर कैपिटलिस्ट उनके प्रॉफिट के लिए ठीक है डायलिटिकल अप्रोच फोकस्ड ऑन ठीक है, है sort of ये मैंने आपको बताया मार्क्स ने यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को टू शो द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ कैपिटलिस्टिक प्रोडक्शन ऑन ह्यूमन बींगस एंड ऑन दी सोसाइटी ये चीजें होगी अब देखो जो ये नाम वगैरह है वर्क ये आप याद रख सकते हो चाहे आप अपने आंसर्स में लिखो ये आपको ब्राउनी पॉइंट्स देगा लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम में उसमें डायरेक्टली ये आ जाता है कि ये किसकी बुक है ये किसका कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए आप ये नाम वगैरह याद रख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन जो है सेंट्रल रोल है मार्क्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का ठीक है ये भी डिस्कस हो गया एलिनेशन लिटरली मीन सेपरेशन फ्रॉम इसका लिटरल मीनिंग है सेपरेशन फ्रॉम आप किस किस चीज से आप सेपरेट हो रहे हो एक ग्रुप से एक सिचुएशन से एक सोसाइटी से निवन विद्फ ये जो चार दिए थे इन्होंने एलिनेशन के प्रोसेस में चार चीजें बताई थी वो हमें आगे डिस्कस करनी है किस किस चीज से आप एलिनेट हो जाते हो ये एक सिचुएशन ऑफ पावरलेसनेस आइसोलेशन एंड मीनिंगलेसनेस है एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल जब एक कॉन्फ्रेंट करते हैं सोशल सिचुएशन जो कंट्रोल नहीं कर सकते और उनके लिए वो अप्रेसिव होती हैं ये ब्रेकडाउन है नेचुरल इंटरकनेक्शन का अमंग द पीपल एंड वट दे प्रोड्यूस ठीक है एक इंटरकनेक्शन होता है जैसे टेलर कारपेंटर की एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड मार्क्स ने कहा था इट वॉज अ हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ मैन ओवर नेचर क्योंकि क्या हुआ प्रमेटिव कम्यूनिज्म से जब हम स्लेव्स में आ गए तो मैंने आपको मोड्स ऑफ तो प्रोडक्शन में कहा कैसे आहिस्ता आहिस्ता आप कंट्रोल करने लगे नेचर को जो बेटर कंट्रोल कर पा पाया जिसके पास वो स्किल्स थे वो आहिस् आपके मास्टर्स बन गए और जो उन पर डिपेंड रहे वो स्लेव्स बन गए एट द सेम टाइम जैसे ही ये कंट्रोल बढ़ता गया और एलिनेशन भी इंसान में बढ़ती गई ठीक है क्योंकि स्किल्स किसी को कुछ कम लोगों के पास थे और वो आपके मास्टर्स बन गए और बाकियों में आता आहिस्ता क्या आने लगी क्योंकि जो वो काम करते थे वो चीज पे उनका कोई हक नहीं था डायरेक्ट कोई इमोशनल वैल्यू नहीं थी तो वो आहिस्ता आहिस्ते एलिनेशन भी बन गई बढ़ती गई तो एक स्टेज में या एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में विद टाइम एलिनेशन बढ़ता गया जैसे स्लेव सोसाइटी में अगर स्लेव सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी ईयर्स की थी एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर टू परसेंट था ईयर में वो आता आहिस्ता करके टेन परसेंट हो गया फाइन फिर थर्टी में वो फोर्टी परसेंट हुआ तो वे टाइम भी एक स्टेज के अंदर भी एलिनेशन बढ़ती गई और जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे गए तो भी एलिनेशन बढ़ती गई जो मैंने आपको अभी ग्राफ बनाया था वो रफ ग्राफ वो आप बना भी सकते हो एग्जाम में कि प्रमेटिव कम्युनिज्म में जीरो उसके बाद बढ़ता गया बढ़ता गया पीक पे कब पहुंचा एलियशन कैपिटलिज्म में और एडवांस कम्युनिज्म में फिर से जीरो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से जाने में दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन जाने में भी एलिनेशन बढ़ता गया और इन अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इट ऑल्सो इंक्रीज विद टाइम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड जो है डुअल एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स मार्क्स इट वॉज अस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग कंट्रोल अच्छा ये हो गया प्रोमेटिव मैन जो था फेल्स एलिनेटेड विद नेचर एज ने पावरिंग मैन डिवाइज मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन टू ओवर पावर नेचर बट एलिनेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम नेचुरल फेयर टू सोशल स्फेयर ठीक है ये चीज भी अंडरस्टूड है एलिनेशन नेचुरल फेयर से आपका सोसाइटी में आपकी सोशल फेयर में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता गया जैसे ही आपका जो रिलेशन था विद मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और फोर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ हेंस जो था मैन बिकेम स्लेव ऑफ प्रोडक्शन और उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो गई मैन जो है वो असेंशली uh, क्रिएटिव है और उसकी ट्रू कॉन्शियसनेस इज डिफाइंड बाई हिस बीइंग जो अभी हमने बीइंग और सोशल बीइंग पढ़ा लेकिन जो मैन एक मोड ऑफ प्रोडक्शन में आता है ही इज आइडेंटिफाइड बाई सोशल बींग अगेन वो यूट्यूबर की एग्जाम्पल ठीक है आप व्लॉगर हो लेकिन करते क्या हो क्योंकि आपको आइडेंटिफाई एज अ व्लॉगर सोसाइटी नहीं करेगी क्योंकि सोशल सो, बींग उसमें नहीं आता है क्योंकि वो कोई स्टेटस नहीं है एज पर मार्क्स अभी चीजें अलग हो गई हैं पर हम अभी मार्क्स का थॉट पढ़ रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन हिज वर्क मैन यूज हिज क्रिएटिविटी टू शेप हिज मटीरियल वर्ल्ड लेकिन इसकी जो क्रिएटिविटी है इज ऑब्जेक्टिड कंट्रोल ओर वर्ट ही प्रोड्यूस अगेन जो मैंने आपको आईफोन फैक्ट्री या टेक्सटाइल फैक्ट्री लुई वटॉप प्रोडक्ट की एग्जाम्पल दी वो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है ओवर वट ही प्रोड्यूस इसको उन्होंने कमोडी फेटिशिज्म भी कहा कि जब कोई चीज बनाते हो जैसे अगेन अगर हम ले इसी की टेक्सटाइल या आईफोन की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपने वो आईफोन बनाया वो वैल्यू आईफोन की है अब उसकी एक्सचेंज वैल्यू की मार्केट में वो कितना महंगा है वो आपकी वैल्यू नहीं है उसमें ठीक है आपका कोई उसमें यूज़ वैल्यू उसकी नहीं है कि आपने उस पर क्या काम किया उसकी सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू है कि मार्केट ने आपको क्या रिटर्न देगी दैट मीन जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो आपके काम की तारीफ नहीं होगी उस प्रोडक्ट की तारीफ होगी आप इस प्रोडक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो कि वो एक मिस्टेक आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है कोई स्पिरिचुअल पावर वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है कि आप उसको पूजने लगते हो कि लोग तो अपनी किड़ियाँ भी बेच लेते हैं आईफोन के लिए उसमें आपका लेकिन स्किल कहीं नहीं है उसमें उस प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी आपकी क्रिएटिविटी जो उस प्रोडक्ट में थी वो खत्म हो गई है ठीक है क्योंकि वो प्रोडक्ट को आपने इतना सर पे चढ़ाया है कि जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट की उस इंसान की कहीं बात नहीं होती है इसको कमोडिटी फेटिसिज्म बोलते हैं मार्क्स के प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू एलियशन एट वर्क प्लेस एस इट इज अ पार्ट ऑफ इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विद्स दी सुपर स्ट्रक्चर एलिनेशन एट वर्क प्लेस को कितनी इंपॉर्टेंस थी क्योंकि वर्क प्लेस पर जो एलिनेशन है वो पार्ट ऑफ इकनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमें पता है मार्क्स ने इकनॉमिक डिटर्मनिज्म की बात की जैसे ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे आपका बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर्स हैं रिलीजन हो गया कहीं पे, आपका पॉलिटी हो गया फैमिली हो गया वो सारी चीज़ें कौन डिटरमिन करता है आपकी इकोनॉमी ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली हैं पुराने वीडियोज में तो एलिनेशन वर्क प्लेस पे क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी का पार्ट है और इकोनॉमी जो है वो मार्क्स का सेंट्रल की कॉन्सेप्ट है मार्क्स की सारी थियोरीज का It causes lies in the uneven structure of production itself. Historically, in his different modes of production, the economic infrastructure or the production process constrains the individual's creativity. दैट इज इज बींग डिस्कस कर लिया है अगर आप कुछ और करना चाहते थे लाइफ में आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते थे लेकिन अब आप एक नाइन टू फाइव की क्लरिकल जॉब कर रहे हो तो इल ऑलवेज फील एलियनेटेड. आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे उस जॉब से क्योंकि आपको पता था कि आप किसी और चीज के लिए बने हो लेकिन ड्यू टू सोशल बींग ड्यू टू बींग ऑफ सोसाइटी एंड बींग सबॉर्डिनेट This society, you had to give up on your dreams, and now you're doing what society expects you to do. ठीक है वंस वट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू यू आर दैट थिंग सो ऑलवेज फील एलियटेड फ्रॉम योर वर्क तो ये एलिनेशन का सारा कॉन्सेप्ट है और वाई दिस इन कैपिटलिज्म उसकी भी मैंने आपको बोला क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह का सेटअप था ये सारा आप किस में आ गया कैपिटलिज्म में आ गया तो इट रीच इट्स ऑप्टिमम वैल्यू इन कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म दैट दैट इज फाइनली द हैपन इन वो कैपिटलिज्मलीटो फ्यूडलिज्म में नहीं हुआ एंशंट सोसाइटी में नहीं हुआ दैट विल हैपन इन कैपिटलिज्म और फाइनली हम किस में आ जाएंगे एडवांस कम्युनिज्म में अब आप एलिनेशन uh, दो तरीकों से होती है इनक्रीज टाइम विद इन मोड ऑफ प्रोडक्शन ये भी मैंने आपको बोला और जब एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम जाते हैं तब भी एलिनेशन चेंज होती है ये प्रमेटिव कम्युनिज्म में थी और पीक पर कहाँ पहुँचिए कैपिटलिज्म में ठीक है और फाइनली जब हम एडवांस कम्युनिज्म में पहुंचेंगे ये फिर से कहाँ हो जाएगी जीरो पे मार्क्स ने एक्सप्लेन किया एलिनेशन को कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये किस चैप्टर में इसने किया था फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज इन दास कैपिटल ठीक है ये बुक भी आप याद रखोगे कार्ल मार्क्स की है कैपिटलिज्म कमोडिटीज हैं विच आर इन फैक्ट्री एंड आर सोल्ड इन मार्केट बिकम फेटिशियस एज वर्कर्स मतलब वो कोई एक मिस्टेक एक सुप्रीम चीज बन जाती है क्योंकि वर्कर्स को वही मार्केट से परचेज करनी पड़ती है जो उन्होंने प्रोड्यूस की फैक्ट्री में और क्या वो फिर परचेज कर पाएंगे या नहीं दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर ठीक है इसकी वजह से एलियेन जो है वो बढ़ता रहता है द वेरी सर्वाइवल ऑफ वर्कर्स बिकम्स डिपेंडेंट ऑन दी कमोडिटीज अब देखो अगर आप किसी एक चीज में काम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो एक ब्रांड की सोचो आप एडिडास के जितने भी वर्कर्स हैं कल को एडिडास ही बंद हो जाए तो आपकी वैल्यू सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है उस ब्रांड पे और आपको कोई और नहीं लेने के लिए तैयार है दैट मीन आपकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है बस उस प्रोडक्ट की वैल्यू है जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो एंड देन उसका भी आपके पास कोई क्रेडिट नहीं है ना आप उसमें कोई इनोवेटिव चीज कर सकते हो ना आप वो चीज खरीद सकते हो आप बस काम कर रहे हो फाइन और आपकी इसमें और इस पूरे सीन में आप कहीं भी नहीं हो आप बस द काम कर रहे हो और आपकी कोई वैल्यू कहीं पे नहीं है रियल फोर्स दैट प्रोड्यूस कमोडिटीज आप रियल फोर्स कौन है लेबर लेकिन लेबर इसमें लेबर का कोई इसमें जो है कहीं पे क्रेडिट या कोई बात नहीं होती है

देगा ये कमोडिटी एक्सप्लेन किया वही चीजें यहां पे लिखी हैं, जो highlighted portion में है वो आप पढ़ सकते हो। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ठीक है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे अगेन मेल कर सकते हैं कमेंट्स में uh, मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कोई पूछना होगा कमेंट्स में बता सकते हैं अपना रिव्यू दे सकते हैं और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ठीक है फ्री है सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हैं यू गेट नोटिफाइड अपलोड न्यू वीडियो तो प्लीज वो सब्सक्राइब शेयर भी करें कमेंट भी करें लाइक करें डिसलाइक करें बट बी एक्टिव ऑन दिस चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले मैं रेगुलरली वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूँ ठीक है तो ये वही है कमोडिटी फेटिशिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है हाईलाइटेड पोर्शन यू कैन गो थ्रू देम वंस अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो अभी वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा वही चीजें फिर से मुझे पढ़ानी होंगी जो मैं ऑलरेडी पूरे इस एलिनेशन में आपको पढ़ा चुकी हूँ मा मैंने आपको कहा चार डायमेंशन एलिनेशन के फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि उस प्रोसेस में आपका कोई रिलेशन कोई इंडिविजुअलिटी कोई इनोवेशन नहीं है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट अगेन आप प्रोडक्ट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर करोगे भी आपको मार्केट जाके वही खरीदना है जो आप बना रहे हो आपके लिए वो प्रोडक्ट एक्चुअली वैल्यूएबल भी नहीं है क्या करेगा एक मजदूर का शूज लेके या लुई बुटोंग का बैग लेके जब उसको पता है मुझे दो सौ रुपए में इससे बड़ा जो है टोट बैग मिल जाएगा तो उसके लिए कोई उसकी वैल्यू भी नहीं है फ्रॉम फेलो वर्कर्स क्योंकि काम ऐसा है कि आपका कोई उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाता फ्रॉम वन सेल्फ एंड वन पोटेंशियल कि मैं क्या कुछ कर सकता था लाइफ में और अब देखो क्या कर रहा हूँ क्योंकि अगेन रिस्पांसिबिलिटीज इतनी ज्यादा है जो मुझे परस्यूव करना था वो मैं नहीं कर पाया तो यू फिल यू फील एलियनेटेड एंड आइसोलेटेड इनफैक्ट अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट भी मिल जाए आप आई एस ऑफिसर भी बन जाओ पर आप वो नहीं बनना चाहते थे आप कुछ और बनना चाहते थे पर सोसाइटियल प्रेशर की वजह से आप बन गई यूल ऑलवेज फील एलिनेटेड फ्रॉम यूर जॉब ठीक है तो ये सारी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की ज कंट्रोलो एज नन ऑफ इज थॉट कैन भी ट्रांसफॉर्म इन टू रियालिटी ये ऑलमोस्ट आई थिंक नाइनटी परसेंट जो जेनेशन है हम लोगों की ये उनका सबका यही हाल है दीज फोर डायमेंशन लीड टू इन वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का सब्जेक्ट इसमें आप हो ठीक है यू आर द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जो एक्सपीरियंस है आपका काम है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है या आपका जो प्रोडक्ट है वो सारा रिलेशनशिप जो है वो परवर्ट हो जाता है वो इनवर्स हो जाता है ठीक है सोल्यूशन टू एलिनेशन वॉज विजलाइज इन अ स्टेट वेन जो प्रोडक्शन प्रोसेस वॉज ओवरहॉल्ड एंड द रिलेशन ऑफ मॉडिफाइड ठीक है ये कब होगा एडवांस कम्युनिज्म में जहां पे फाइनली हमें एक, इनके से एक society, society मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ इसीलिए ने कहा था एलिनेशन कैन बी ए ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिव आइडियाज ऑल्सो की जब आप एलिनेट हो जाओ उस काम से तो आपको ये रियलाइज होने लगे नहीं मैं इस चीज के लिए नहीं बना लोगों ने जैसे अगर हम अन अकेडमी की एग्जाम्पल रोमन सैनिक वो आई ऑफिसर बन गए थे पर उन्होंने वो छोड़ा और किया जो वो करना चाहते थे एक टीचिंग ऑनलाइन टीचिंग के फील्ड में आ गए ठीक है तो ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिव आइडियाज भी हो सकता है दुर्खेम ने हाईलाइट किया कि एक्सप्लेन करेंगे जब मैं आपको दुर्खेम पढ़ाऊंगी एनॉमी वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको वहां समझ में आएगा एंड लॉकवुड ने कहा था वर्क इज जस्ट अ मीन्स टू एन एंड दट इज बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और जरूरी नहीं कि आ, हर कोई एलियनेटेड हो वर्कर्स ही एलिनेट हो हर कोई एलिनेट हो सकता है ठीक है और जो वर्क है वो बस एक जरिया है काम करने का अब हर खुशी अपने काम से ही नहीं ढूंढो आपको अल्टीमेटली पैसे मिल रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो वर्कर्स एंड कैन सेटिस्फाइड एक्सप्रेसिव एंड एफेक्टिव नीड्स थ्रू फैमिली रिलेशनशिप जो आप काम में ढूंढ रहे हो आप फैमिली में ढूंढो वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू

रॉबर्ट ब्लॉनर ने अपनी स्टडी ऑफ एलिनेशन फ्रीडम में कहा था कि एलिनेशन डिपेंड्स ऑन दी टेक्नोलॉजी यूज एट वर्क कि कई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहां पे आपको अपनी इनोवेशन करने का कर टाइम मिलता है और स्पेस रूम मिलता है और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती है सॉरी जो बिल्कुल आपको स्विच ऑन ऑफ वाली है उसमें आप अपना कोई इनोवेटिव नहीं कर सकते इनोवेशन डिस्प्ले नहीं कर सकते वहां हो सकता है कि टेक्नोलॉजी जो वैसी है कि आपकी एलिनेशन थोड़ी ज्यादा हो एग्जाम्पल प्रिंटिंग जॉब Printing jobs, जो है इन्वॉल्व वर्कर्स क्रिएटिव इनपुट्स एंड डिविजन ऑफ लेबर इज नॉट वेरी हाई एंड हेंस एलिनेशन इज लेस ऑन द अदर हैंड ऑटोमेटेड असेंबली ऑटोमेटेडलीजल्ट इन टू द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन फाइन और मैक्स वेबर ने कहा था ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी लीड्स टू एलिनेशन ये हम चीजें तब डिस्कस करेंगे जब हम मैक्स वेबर डिस्कस करेंगे इन्हें ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन का क्या कहा था सो टिल द टाइम टिलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे